वेलकम स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मास्टर देहरादून में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर 1, जिसमें हम देखेंगे कि यह जो ब्रांच है इंजीनियरिंग की, वह किस तरह से आपका डील की जाती है और क्या आपके इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो देखें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, दैट इज इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और वी कैन से साइंस इन विच स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, इसको हम बॉडी को किस नाम से भी बोल सकते हैं अभी आगे, दैट इज मटेरियल डिफॉर्मेबल बॉडी इज डन when they are subjected by external forces। तो external forces basically हैं क्या, जैसे आपके कुछ load आ गए या आपके क्या आ गए, movement आ गए, ठीक है, couple आ गया, ठीक है, movement आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली, या मोमेंट के बल्ले हम क्या बोलते हैं, टॉर्क, ये सारे जब किसी मटेरियल में लगते हैं, अब वो बॉडी कैसे होनी चाहिए, देखें, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और साइंस इन विच स्टडी ऑफ, क्या बोला गया है यहाँ पे, डिफॉर्मेबल बॉडी। देखें, दो ब्रांच होते हैं, अगर मैं बताऊँ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, देखें मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड इस नाम से भी जाना जाता है इसको, या सॉलिड मैकेनिक्स हम बोल रहे हैं, तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एक आती है आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और एक होती है आपकी दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, दैट इज स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी। तो यह वह ब्रांच है इंजीनियरिंग की जिसमें कि जब किसी रिजिड बॉडी में ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं, कैसे फोर्सेस लगते हैं आपके, बाहर से जो कोई फोर्सेस लगते हैं लाइक लोड, मोमेंट, कपल, या अभी देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के लोड किस तरह से होते हैं, तो ये जब लोड लगते हैं, तो जब हम रिजिड बॉडी में स्टडी करते हैं, तो वह जो ब्रांच होती है वो किस नाम से जानी जाती है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नाम से। जबकि अगर हम जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है इसमें जो हम स्टडी करते हैं, दैट इज स्टडी इन डिफॉर्मेबल बॉडी, किसमें स्टडी करते हैं आपका, डिफॉर्मेबल बॉडी में। अब क्या डिफरेंस रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी, तो क्या रिजिड बॉडी होती है, क्या डिफॉर्मेबल बॉडी होती है, इसको समझते हैं। अभी तक हमें पता चल गया है कि इस सब्जेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज ऑन द डिफॉर्मेबल बॉडी, जब उनमें कोई क्या लगने वाला है आपका, एक्सटर्नल फोर्सेस। तो वो डिफॉर्मेबल बॉडी किस तरह से बिहेवियर शो करती हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी रहने वाली है, क्या उनका रेजिस्टेंस रहने वाला है, कैसे वो डिफॉर्म होने वाली हैं, कितना डिफॉर्म होने वाली है, इन सब चीज़ को स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है इंजीनियरिंग की या साइंस की, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। डेफिनेटली आपको पता है, जब किसी भी बॉडी में जब लोड लगेगा, तो लोड लगने पर वो क्या हो जाएगी, डिफॉर्म। पर एक सब्जेक्ट और बताया मैंने, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इस सब्जेक्ट में हम जो बॉडी है उसको एज्यूम करते हैं, दैट इज इट इज रिजिड। तो अब दो शब्द को समझ लेते हैं, क्या होता है, व्हाट इज रिजिड बॉडी एंड व्हाट इज डिफॉर्मेबल बॉडी। तो रिजिड बॉडी बेसिकली क्या है कि अगर, दैट इज इफ टू पॉइंट्स डू नॉट चेंज इट्स पोजिशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड। यानी कि मान लो, सपोज मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, सपोज ये कोई एक बॉडी है, इस बॉडी में आपके दो पॉइंट हैं, सपोज दिस पॉइंट, जिनके बीच की दूरी कितनी है, L है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, एक पॉइंट A है, पॉइंट B है,
अब हमने इसमें क्या लगाया, दैट इज इसमें लोड लगाया, लोड किसी भी फॉर्म में लगाएं, सपोज इस तरह से भी लोड लगा दिया, लोड। अब लोड लगाने पे होना क्या चाहिए था कि ए और पॉइंट बी अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहिए था, पर रिजिड बॉडी अगर ये है तो दैट मींस जो इनकी फाइनल, दिस इज इनिशियल पोजीशन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड, द पॉइंट ए विल रिमेन हियर एंड द पॉइंट बी विल रिमेन हियर, दैट मींस इफ द डिस्टेंस इज एल डैश, सो यहां पर एल इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, एल डैश, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या नहीं हुई आपकी, चेंज नहीं हुई, यानी कि ये दोनों पॉइंट लोड को लगा लेने के बाद भी आपके क्या हुए, अपनी जगह में ही रहे, यानी लोड इसमें रहा ही, तब भी इन लोड का इन दोनों पॉइंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि ये दोनों पॉइंट कहीं नहीं गए। इस टाइप की बॉडी को हम बोलते हैं आपका क्या, रिजिड बॉडी, क्या बोला जाता है आपका, रिजिड बॉडी। ओके, सो नाउ डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती, डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होगी, दैट इज ऐसी बॉडी या ऐसे मटेरियल जो कि आपके जब लोड उनमें लगाते हैं तो उनके बीच के जो रिस्पेक्टिव पॉइंट्स हैं वो अपने क्या करते हैं, आपका डिस्टेंस को चेंज कर देते हैं, यानी कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका क्या होगा, अगर ये दोनों पॉइंट यहीं पर रहे तो आपका शेप क्या होगा, नॉट चेंज, शेप चेंज नहीं होगा, जैसा शेप था वैसी रहेगा, साथ ही क्या रहेगा आपका, साइज नॉट चेंज, साइज भी चेंज नहीं होगा, यानी कि शेप और साइज को ही बेसिकली क्या बोला जाता है, शेप एंड साइज को ही क्या बोला जाता है, दैट इज ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री विल नॉट चेंज, तो ज्योमेट्री अगर चेंज नहीं होगी किसी मटेरियल की, दैट मीन्स इसमें स्ट्रेन भी नहीं आएगा, तो दैट मीन्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम स्ट्रेन की स्टडी नहीं करेंगे। स्ट्रेन आपको पता है, दैट इज डिफॉर्मेशन जो आ रहा है उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। अब डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है, डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल है, ये बॉडी है डिफॉर्मेबल बॉडी, ए और बी पॉइंट थे, इनके बीच की दूरी एल है। नाउ मैंने इसमें लोड लगा दिया, पी लोड, सपोज दिस इज लोड, मैं अभी लोड बोल देता हूँ, कैसा भी लोड हो सकता है, अभी लोड की स्टडी करेंगे। तो जैसे ही मैंने इस बॉडी में लोड लगाया, दिस इज ए बॉडी, ठीक है, अब कैसी बॉडी है, 2D में है, 3D में है, इससे मैं सिर्फ एक बॉडी है, इसके दो पॉइंट के बारे में हम पता कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने लोड लगाया तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड द पॉइंट ए एंड बी, सपोज द पॉइंट ए यहाँ पर था, बी यहाँ पर था, तो ए चले गए यहाँ पर ए डैश में और बी चले गए यहाँ पर कहाँ पर आपका, बी डैश में। तो इनिशियल द पोजिशन इज दिस ए बी, जिनके बीच की दूरी एल थी, एंड नाउ ए डैश एंड बी डैश हैव डिस्टेंस एल डैश, यहाँ पर एल इज नॉट इक्वल टू एल डैश, यानी कि इन दो ए एंड बी पॉइंट में लोड लगा लेने पे, लोड जब लगाया तो लोड को लगा लेने लगाने पर इन दो पॉइंट के जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, चेंज। तो जब डिस्टेंस चेंज होगी तो इसी को क्या बोलते हैं आपका, इस टाइप की बॉडी को बोला जाता है डिफॉर्मेबल। तो इस टाइम पर डेफिनेटली इस बॉडी का शेप भी चेंज होगा, डेफिनेटली शेप चेंज होगा, एंड ऑल्सो क्या चेंज होगा आपका, साइज चेंज होगा। जो शेप और साइज को ही क्या बोला जाता है इंजीनियरिंग में, दैट इज ज्योमेट्री, क्या बोला जाता है आपका, ज्योमेट्री। तो इनकी ज्योमेट्री भी क्या होती है, चेंज। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इस ज्योमेट्री चेंज को क्या बोला जाता है आपका, स्ट्रेन, क्या बोला जाता है आपका, स्ट्रेन। यानी कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है वह स्टडी है डिफॉर्मेबल बॉडी की। तो डिफॉर्मेबल बॉडी है तो दैट मीन्स उन दोनों, इस बॉडी में जो रिस्पेक्टिव दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ए नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी देयर। सो जो ये पॉइंट्स होंगे ये अपने क्या होंगे, आपके रिस्पेक्टिव पोजिशन को लोड लगाने पर क्या करेंगे, चेंज। तो चेंज करेंगे तो इनके साइज और शेप में चेंज होना क्या है, पॉसिबल। साइज और शेप में चेंज होना ही क्या कहलाता है, ज्योमेट्री। और इस ज्योमेट्री चेंज को ही हम टेक्निकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किस नाम से जानते हैं, स्ट्रेन। तो यहाँ पर स्ट्रेन विल अपीयर, जबकि यहाँ पर ज्योमेट्री में चेंज नहीं हो रहा तो स्ट्रेन विल नॉट अपीयर इन रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी की स्टडी कहाँ होती है आपकी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। कहाँ स्टडी होती है इसकी, इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। वहाँ हम एज्यूम करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो हमारे पास मटेरियल है या जो बॉडी है वो कैसी बॉडी है आपकी, रिजिड बॉडी है, यानी कि उन दो पॉइंट के बीच में कोई चेंज नहीं होगा, उनके साइज शेप में कोई चेंज नहीं होगा, दैट मींस डिफॉर्मेशन आर नॉट अलाउड। नाउ हियर डिफॉर्मेशन आर अलाउड, दैट मींस हम एज्यूम भी करेंगे कि डिफॉर्मेशन हो गई, आएगा आएगा, हम ऐसे मटेरियल को ही स्टडी इसमें करने वाले हैं। तो दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा जाता है तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने के से पहले उस सब्जेक्ट के कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं,
या हमें रूल्स बनाने पड़ते हैं, और उन्हीं रूल्स को जब हम अगर एक्चुअल में होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ एजम्पशंस लेते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्या एजम्पशंस हैं, कि इस सब्जेक्ट के एजम्पशंस क्या हैं। अगर मैं एजम्पशंस की बात करूं तो व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो एजम्पशंस देख लेते हैं, एजम्पशंस ऑफ द सब्जेक्ट। तो अब देखते हैं व्हाट आर द एजम्पशंस, एजम्पशंस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अभी तक हम सिर्फ समझे हैं इसकी डेफिनेशन, अभी हमने कुछ बेसिक नॉलेज नहीं सीखा है, सिर्फ हमने समझा है कि क्या डेफिनेशन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टडी है किसकी, आपकी, दैट इज स्टडी ऑफ बेसिकली बॉडी व्हेन दे आर सब्जेक्टेड बाय फोर्सेस। जब वो फोर्सेस से सब्जेक्टेड रहते हैं, लोड से, तो हम देखते हैं कि वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं। तो इसके लिए हमें एज्यूम करना पड़ा कि जो वो बॉडी होनी चाहिए हमारी स्टडी के लिए, वो डिफॉर्मेबल बॉडी होनी चाहिए। डिफॉर्मेबल और रिजिड बॉडी में डिफरेंस यही है कि आपका रिजिड बॉडी पॉइंट चेंज नहीं करेंगे अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन, जबकि डिफॉर्मेबल बॉडी चेंज करेंगे, यानी कि ज्योमेट्री विल नॉट चेंज इन रिजिड एंड ज्योमेट्री विल चेंज इन डिफॉर्मेबल। तो पहला एजम्पशन ये वही है, दैट इज मटेरियल इज, मटेरियल इज डिफॉर्मेबल, मटेरियल इज डिफॉर्मेबल एंड कंटिन्यूम। तो डिफॉर्मेबल मींस तो आप समझ गए अभी डिफॉर्मेबल माने क्या होता है। अगर नहीं भी, अगर रिजिड भी है तब भी हम एज्यूम, एजम्पशन होने का मींस हमें मानना पड़ेगा अपनी स्टडी को देखने के लिए कि यह आपके डिफॉर्मेबल है। साथ ही कंटिन्यूम होने का मींस क्या होता है, कंटिन्यूम मींस जैसे कंटिन्यूस से ही बना हुआ है, यानी कि जैसे मान लो ये बोर्ड है मेरा, ये बोर्ड आपको पता है कहीं पर इसमें क्रैक डेवलप नहीं हुए हैं, हर जगह क्या है आपका, दैट इज दिस इज प्लेन। लाइक आपका एलईडी स्क्रीन, तो एलईडी स्क्रीन आपको पता है कि वो कंटिन्यूस रहती है, अगर कहीं पर क्रैक पड़ गया तो दैट मींस द रिजोल्यूशन विल नॉट देयर, वो आपके पिक्चर नहीं दिखाई देगी। तो सेम हियर, यहाँ पर कंटिन्यूस मींस क्या है, दैट इज हमारा जो मटेरियल है इसमें कोई क्रैक डेवलप नहीं होंगे, तो नो क्रैक। अगर क्रैक हुए भी हैं तो हम एज्यूम करेंगे कि वो बिल्कुल क्रैक नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यूस है, यानी कि हर एक जो उसके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर से लेके उसका सरफेस से लेके हर चीज क्या है आपका कंटिन्यूस में है। ओके, दूसरा एजम्पशन जो है, पहला एजम्पशन ये है, दूसरा एजम्पशन है मटेरियल इज, मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। इसका मींस क्या होता है, दैट इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मींस क्या है। तो होमोजीनियस का अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, दैट इज होमोजीनियस, इस सब्जेक्ट, इस पॉइंट को समझते हैं सब लोग, ध्यान से देखें क्या होता है, अभी तक सब समझ गए होमोजीनियस क्या है। तो ऑल पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स विद इन द बॉडी, विद इन द बॉडी इन ए गिवन डायरेक्शन, इन ए गिवन डायरेक्शन शोज सेम प्रॉपर्टी। तो क्या बोला है इसको समझते हैं, कि जितने भी पॉइंट्स होंगे विद इन द बॉडी इन ए गिवन डायरेक्शन शोज सेम प्रॉपर्टी। तो माना सपोज ये कोई एक आपकी बॉडी है, ये होमोजीनियस बॉडी है, इसके डिफरेंट पॉइंट है, सपोज दिस इज पॉइंट वन, दिस इज पॉइंट टू, सपोज दिस इज पॉइंट थ्री। नाउ डायरेक्शन आपको पता ही है, सपोज डायरेक्शन मैंने मान ली एक्स डायरेक्शन होती है एक, एक क्या होती है आपकी वाई डायरेक्शन होगी, एक क्या होगी आपकी जेड डायरेक्शन, ऐसी एक्स और वाई के बीच में कोई डायरेक्शन हो सकती है, ऐसी वाई और जेड और जेड एक्स के बीच में। तो मैं सपोज अभी एक्स डायरेक्शन लेता हूँ, तो सपोज एक्स डायरेक्शन में इसकी एक कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, सपोज उस प्रॉपर्टी को मैं अभी एक नाम देता हूँ, सपोज उसकी प्रॉपर्टी को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सब जानते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जो यह दिखाती है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का बिहेवियर है वो किस लिमिट तक आपका क्या है आपका लीनियर है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का बिहेवियर। ओके, जब आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनाते हैं तो एक कर्व जाता है बिल्कुल स्ट्रेट, जहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं लीनियर शो करते हैं, तो उसका जो स्लोप होता है उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सपोज यहाँ पर क्या है इवन है इन एक्सटेंट, सो सेम टू पॉइंट में ये जो इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी इस डायरेक्शन में क्या होगी इवन। सो नाउ हियर द
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इवन. तो हर पॉइंट में ऐसे बहुत नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं 4, 5, 6, तो हर पॉइंट में इन गिवन डायरेक्शन दिस इज क्या आपका सेम, इवन इज सेम. अब दूसरा एक डाउट देखते हैं. मान लो सपोज दूसरे डायरेक्शन में अब इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी है ई टू. नाउ यहां पर दूसरी डायरेक्शन क्या होगी, अब वाई डायरेक्शन, पहले डायरेक्शन क्या थी एक्स डायरेक्शन. तो एक्स डायरेक्शन में हर पॉइंट में जो मीन्स की इसकी प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, सेम, इवन इवन इवन. अब नाउ सपोज दूसरी डायरेक्शन मैंने ले ली वाई डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन ले ली वाई डायरेक्शन. तो वाई डायरेक्शन में सपोज इसकी प्रॉपर्टी है ई टू. सो नाउ हेयर अगेन ई टू. तो अभी भी क्या ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस, अभी भी ये क्या है आपका होमोजीनियस है. अभी भी क्या है आपका ये होमोजीनियस है. क्यों, क्योंकि इन गिवन डायरेक्शन y डायरेक्शन द मेटेरियल शो द सेम प्रॉपर्टी. तो ये अभी आपका क्या कहलाएगा आपका, दैट इज होमोजीनियस. ये क्या कहलाएगा आपका, होमोजीनियस ही कहलाएगा. तो दिस इज होमोजीनियस. ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए. x डायरेक्शन में अगर e1 है तो e1 ही रहनी चाहिए, y डायरेक्शन में अगर e2 है e2 ही रहनी चाहिए, z डायरेक्शन में अगर e3 है तो e3 रहनी चाहिए. तो इसको बोला जाता है क्या आपका होमोजीनियस. अब बात करते हैं किसकी, लेट अस आइसोट्रॉपिक. तो आइसोट्रॉपिक, तो पहला हमने समझ लिया होमोजीनियस, अब समझ लेते हैं आइसोट्रॉपिक माने क्या होता है. आइसोट्रॉपिक, तो आइसोट्रॉपिक क्या होता है, दैट इज एट ए पॉइंट इन ऑल द डायरेक्शन द मेटेरियल प्रॉपर्टी, मेटेरियल प्रॉपर्टी इज सेम. यानी कि एट ए पॉइंट इन ऑल द डायरेक्शन, देखें यहां पर क्या था, ऑल पॉइंट्स विद इन द बॉडी इन ए गिवन डायरेक्शन, किसी एक गिवन डायरेक्शन में. गिवन डायरेक्शन क्या थी, जैसे एक्स डायरेक्शन ले ली, जैसे वाई डायरेक्शन ली, वो सेम प्रॉपर्टी. पर यहां पर क्या है, एट ए पॉइंट, कहां पर, किसी एक बिंदु पे, जो सारी डायरेक्शन होगी किसी बिंदु पे, जैसे इस बिंदु पे अभी डायरेक्शन क्या है एक्स वाई, तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी दिखा रहा है. ठीक है, नाउ आइसोट्रॉपिक क्या है, मान लो सपोज ये बॉडी है, ये सपोज एक पॉइंट है वन, सपोज दिस इज पॉइंट टू, तो एट ए पॉइंट इन ऑल द गिवन डायरेक्शन, तो ऑल गिवन डायरेक्शन में सपोज ये डायरेक्शन कुछ भी है इसकी, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, तो अगर यहाँ प्रॉपर्टी ई दिखा रहा है तो इस डायरेक्शन में भी ई दिखाएगा, इस डायरेक्शन में भी ई दिखाएगा, इस डायरेक्शन में भी ई दिखाएगा, इस डायरेक्शन में भी ई दिखाएगा. तो इन ऑल द डायरेक्शन द पॉइंट वन विल शो द सेम प्रॉपर्टी, सेम. दूसरा पॉइंट टू पे ये आपका क्या दिखाएगा, आपका इन ऑल द डायरेक्शन क्या दिखाएगा, आपका सेम प्रॉपर्टी दिखाएगा. ठीक है, तो इस टाइप के मेटेरियल को हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक. दैट इज एट ए पॉइंट इन ऑल द डायरेक्शन द मेटेरियल प्रॉपर्टी इज सेम, आइसोट्रॉपिक. अब मैं आपको 3-4 डायग्राम बना के दिखाता हूँ यहाँ पर, इसको होमोजीनियस आप समझ गए होंगे और आइसोट्रॉपिक. अभी और क्लियर इसको करते हैं आपका. सपोज मैं 4 डायग्राम बनाता हूँ, आप मेरे को बताइएगा कि ये कैसे कैसे, आप खुद सोचना, दिमाग लगाना कि ये जो मैंने 4 डायग्राम बनाए हैं वो कैसे कैसे मेटेरियल को शो कर रहे हैं. ओके, तो ये 4 बॉडी हैं. सपोज यहाँ पर एक पॉइंट वन है, सिर्फ दो पॉइंट को लेके बात करते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ है, ऐसे सेम, दूसरा पहला दूसरा पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज सेकंड पॉइंट. नाउ फर्स्ट पॉइंट में सपोज इसकी प्रॉपर्टी है एक्स डायरेक्शन में ई, सपोज वाई डायरेक्शन में भी इसकी क्या है ई, सेम यहाँ पर क्या है ई एंड यहाँ पर क्या है आपकी ई. तो ये जो पहला मटेरियल है एग्जाम्पल वन, तो एग्जाम्पल वन दिस इज क्या कहलाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे आपका, दैट इज होमोजीनियस प्लस. होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि गिवन डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या एक्स डायरेक्शन में ई है, तो आपका पॉइंट वन पे, तो पॉइंट टू पे भी एक्स डायरेक्शन में ई है. और वाई डायरेक्शन में अब आइसोट्रॉपिक क्यों है, क्योंकि वन और टू पॉइंट पे दोनों डायरेक्शन में इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है आपकी, सेम है. तो इस टाइप के, चाहे हम दूसरी डायरेक्शन यहाँ को भी देख लें तो ये ई ही रहेगी, इधर को देख लें तो ई ही रहेगी, यहाँ देखें तो ई ही रहेगी, यहाँ देखें तो ई. तो इस टाइप का जो मटेरियल है ये मटेरियल जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, होमोजीनियस प्लस आइसोट्रॉपिक. तो हमारा एजम्पन यही है कि जो मटेरियल रहना चाहिए होमोजीनियस भी रहना चाहिए, आइसोट्रॉपिक भी. इसका मीन्स इन गिवन डायरेक्शन में भी उसकी प्रॉपर्टी सेम रहनी चाहिए, साथ ही
ऑल डायरेक्शन में भी क्या रहनी चाहिए, किसी पॉइंट में सेम। ओके, अब देखते हैं, इसको देखते हैं, मान लो एग्जांपल लेते हैं, यहां पर है E1, यहां पर है आपका E2। ओके, अब इस पॉइंट में E1 और E2, अब यहां पर अगर मैं प्रॉपर्टी देखूं, यहां E1, दिस इज E1, दिस इज E1, दिस इज E1। नाउ यहां देखें, यहां पर E2, यहां पर क्या है E2, यहां पर क्या आ गया E2, यहां पर भी क्या आ गया E2। अब बताइए इस मटेरियल को आप क्या बोलोगे। देखो, आइसोट्रॉपिक तो दिख रहा है, क्यों दिख रहा है आइसोट्रॉपिक? आइसोट्रॉपिक इसलिए दिख रहा है क्योंकि एट ए गिवन पॉइंट द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल आर सेम इन ऑल द डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन में क्या है, सेम है, आइसोट्रॉपिक भी दिख रहा है। पर क्या होमोजीनियस है? नहीं। क्यों नहीं होमोजीनियस? क्योंकि किसी गिवन डायरेक्शन, जैसे एक्स डायरेक्शन ले ली, ये देखें यहां E1 है तो यहां क्या होगी E2 होगी, इस डायरेक्शन में यहां E1 है तो यहां क्या होगी E2। तो किसी एक गिवन डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या नहीं है आपकी, अलग अलग पॉइंट में क्या है, अलग अलग है। तो इस टाइप के मटेरियल को क्या बोला जाएगा आपका, दैट इज हेट्रोजीनियस प्लस क्या है आपका आइसोट्रॉपिक। हेट्रोजीनियस माने क्या, दैट इज मटेरियल आपका जो अलग अलग डायरेक्शन है उसमें कि अलग अलग पॉइंट में क्या दिखा रहा है, अलग अलग प्रॉपर्टी दिखा रहा है। पर आइसोट्रॉपिक क्यों है, क्योंकि एट ए सिंगल पॉइंट द प्रॉपर्टी आर सेम। तो ये हो गया आपका होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक, ये क्या हो गया हेट्रोजीनियस आइसोट्रॉपिक। अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, मान लो सपोज ये क्या है E1 यहां दिखा रहा है, यहां भी E1 दिखा रहा है, ठीक है। अब यहां क्या दिखा रहा है, लेट अस E2, इधर की ओर क्या दिखा रहा है E2, यहां क्या दिखा रहा है सपोज E3, यहां क्या दिखा रहा है सपोज E3। अब बताइए ये मटेरियल क्या होगा, ये थर्ड वाला जो बॉडी होगा ये कैसा होगा। देखें, पहले तो ये आइसोट्रॉपिक तो होगा नहीं, क्योंकि एट ए पॉइंट अलग अलग डायरेक्शन में आपकी क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टी है। पहली डायरेक्शन में E1 है तो दूसरी डायरेक्शन में E2 है, तीसरी डायरेक्शन में E3 है। सेम हियर, पहले डायरेक्शन में E1 है, दूसरी डायरेक्शन में E2 है, तो तीसरी डायरेक्शन में E3 है। पर मेरा क्वेश्चन ये है, ये होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस? अब देखें, एट ए गिवन डायरेक्शन द प्रॉपर्टी आर सेम। E1 इस डायरेक्शन में है तो E1 इसी डायरेक्शन में, अलग अलग पॉइंट में। ये पहला पॉइंट था, दिस इज सेकंड पॉइंट। यहां E2 है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में E2 है। तो इस टाइप के मटेरियल को क्या बोला जाएगा, दिस इज होमोजीनियस तो है, होमोजीनियस तो है, बट प्लस इसको बोला जाता है एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक माने क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक यानी कि जब यहां हो गया आपका E4, यहां हो गया आपका E4, यहां हो गया मान लो सपोज इस डायरेक्शन में ले लेते हैं E5, तो इस डायरेक्शन में भी क्या है आपका E5। तो एनिसोट्रॉपिक मटेरियल वह मटेरियल होते हैं जो कि किसी एक सिंगल पॉइंट में ऑल डायरेक्शन में क्या दिखाते हैं आपकी, डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाते हैं। इन ऑल डायरेक्शन क्या करते हैं आपकी, डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक। यहीं पर एक डाउट और हम क्लियर कर लेते हैं, एक और होता है आपका ऑर्थोट्रॉपिक, एक और मटेरियल होता है जिसको बोला जाता है ऑर्थोट्रॉपिक। तो ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या होते हैं, अगर इसको आपने समझाना है तो ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल में, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या होते हैं, दैट इज विच शोज डिफरेंट प्रॉपर्टी इन थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एट ए गिवन पॉइंट। बस यहां पर क्या है कि थ्री म्यूचुअली, मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी में किसी एक पॉइंट में थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सपोज एक्स डायरेक्शन E1, वाई डायरेक्शन सपोज E2, नाउ थर्ड डायरेक्शन Z, जहां इन तीनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री, यानी ये एक दूसरे से क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो इन थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाता है तो इसको बोला जाता है ऑर्थोट्रॉपिक। जबकि अगर हर डायरेक्शन में, अगर वो आपका सिर्फ इन तीन में आपका डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाएगा और डायरेक्शन में सेम दिखा सकता है तो उसको ऑर्थोट्रॉपिक। जबकि अगर हर डायरेक्शन में अगर डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखा रहा है तो उसको बोला जाता है एनिसोट्रॉपिक। हर डायरेक्शन में एक पॉइंट में अगर सेम प्रॉपर्टी दिखा रहा है तो उसे बोला जाता है आइसोट्रॉपिक। ओके, तो इसका मीन्स यहां से हमें पता चला कि जो आइसोट्रॉपिक मटेरियल है वह हेट्रोजीनियस भी हो सकता है
और साथ ही जो होमोजेनियस है वो क्या भी हो सकता है आपका, एनिसोट्रॉपिक भी हो सकता है। अब लास्ट बचा है जो हेट्रोजीनियस भी हो और एनिसोट्रॉपिक भी हो, क्या भी हो आपका लास्ट बचा हुआ है जो क्या हो, दैट इज हेट्रोजीनियस भी हो प्लस क्या भी हो आपका एनिसोट्रॉपिक। आप खुद ही समझ जाएंगे हेट्रोजीनियस भी हो एनिसोट्रॉपिक। हेट्रोजीनियस हो यानी इस गिवन डायरेक्शन में अगर ए1 दिखा रहा है तो इस गिवन डायरेक्शन में क्या दिखाएगा आपका ए2 दिखाएगा। इस गिवन डायरेक्शन में अगर ए3 दिखा रहा है तो इस गिवन डायरेक्शन में क्या दिखाएगा आपका ए4 दिखाएगा। इस गिवन डायरेक्शन में अगर ए5 दिखा रहा है तो इस गिवन डायरेक्शन में वो क्या दिखाएगा ए6 दिखाएगा। इस गिवन डायरेक्शन में अगर ए7 दिखा रहा है तो इस गिवन डायरेक्शन में ये क्या दिखाएगा ए8 दिखाएगा। अब E7, E8, E9 क्या है, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल चेंज। अगर E1 और E2 इक्वल टू E हो तो इसका मीन्स दोनों बराबर है, पर अगर E1 है E2 है तो अलग अलग आपके मीन्स की अगर प्रीफिक्स यूज हो रहे हैं तो डैट मीन्स प्रॉपर्टी उसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, गिवन डायरेक्शन में वो नहीं है, दैट इज प्रॉपर्टी सेम नहीं है। इस डायरेक्शन में E1 है तो E2 है तो हेट्रोजीनियस हो गया, और साथ ही आया कि सिंगल पॉइंट द प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन ऑल द डायरेक्शन, तो ये क्या भी हो गया आपका एनिसोट्रॉपिक हो गया, आइसोट्रॉपिक नहीं रहा। तो ये आप समझ गए होंगे होमोजेनियस माने क्या होता है, आइसोट्रॉपिक माने क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक माने क्या होता है और ऑर्थोट्रॉपिक माने क्या होता है। तो एक ही चीज़ से इस एजम्पशन से हमने इतनी चीज़ समझा दी है। जैसे वो आइसोट्रॉपिक मटेरियल का एग्जांपल बताएं तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल जैसे ग्लास है, ग्लास एक आइसोट्रॉपिक मटेरियल है। होमोजेनियस की बात करें तो जैसे ब्रॉन्ज है या स्टील है, ब्रॉन्ज है या स्टील है, ये आपके क्या हैं होमोजेनियस मटेरियल है। ठीक है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, जब दो मटेरियल आपके क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे, यानी कि जब आपके कंपोजिट मटेरियल बनेंगे तो आपके हेट्रोजीनियस हो सकते हैं या एनिसोट्रॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए दूसरे एजम्पशन से। तो दूसरा एजम्पशन क्लियर हो गया, दो एजम्पशन हमने पढ़ लिए हैं तो सबको क्लियर हो गया होगा व्हाट आर दीज टू एजम्पशंस। नाउ थर्ड एजम्पशंस देखते हैं कि थर्ड एजम्पशंस क्या है। तो थर्ड एजम्पशंस आपका है दैट इज सेल्फ वेट ऑफ द मटेरियल इज नेग्लिजिबल ओनली सरफेस लोडिंग इज कंसिडर्ड। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो ये बॉडी है, इस ये कोई भी बॉडी है, इस बॉडी का क्या होता है खुद का भार होता है, जिसको क्या बोला जाता है सेल्फ वेट, खुद का भार होता है सेल्फ वेट। सेल्फ वेट का एक नाम और भी है, इसको क्या भी बोला जाता है डेड वेट या डेड लोड। तो इस मटेरियल की वो किस पर डिपेंड करता है सेल्फ वेट, डेंसिटी पे। तो आपको पता है कि वेट डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो वेट है यानी कि ये सेल्फ वेट है दैट इज इक्वल टू गामा इनटू वॉल्यूम। तो ये जो आपका आने वाला है, हम जब भी इस बॉडी या इस मटेरियल का किसी भी शेप का हो या किसी भी साइज का हो, हालांकि हम अभी देखेंगे एजम्पशन हमारा रहेगा कि ऐसा शेप नहीं रहना चाहिए, हमारा जो मटेरियल रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए प्रिज्मेटिक, कैसा रहना चाहिए। अभी एक एजम्पशन और है, अभी ये तो शेप ऐसा सब नहीं है कुछ भी, पर हम ऐसे स्ट्रक्चर या इसकी एनालिसिस नहीं करेंगे, हम ऐसे मटेरियल की स्टडी करेंगे जिसका ये आपका क्या है कोई एक मटेरियल है। ठीक है, इसका हमने सेल्फ वेट क्या कर दिया है नेग्लेक्ट, इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सेल्फ वेट को डेड लोड भी बोला जाता है, कैसे निकलता है गामा इनटू वॉल्यूम। हर एक मटेरियल का कुछ यूनिट वेट होता है, जैसे स्टील का सबको पता है 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्टील का कितना होता है यूनिट वेट, गामा स्टील कितना होता है 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 78.5 किलो न्यूटन। तो ये जो अगर ये स्टील का है मटेरियल, जो मटेरियल है अगर स्टील का है तो हम यह 1 मीटर क्यूब अगर इसका वॉल्यूम है तो इसका वेट 78.5 किलो न्यूटन है। तो इस 78.5 किलो न्यूटन को जब भी हम डिजाइन करेंगे या एनालिसिस करेंगे तो उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ क्या कंसिडर किया जाएगा सरफेस लोडिंग। सरफेस लोडिंग क्या हो गया, यानी कि अभी देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस और मूवमेंट्स, जो भी इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के लोड आएंगे उन लोड को ही हम क्या करेंगे आपका कंसिडर करेंगे, यानी कि दैट इज सरफेस लोड होने का मीन्स दैट इज एक्सटर्नल लोड को ही कंसिडर किया
जाएगा। तो ये था आपका दैट इज थर्ड एजम्पशंस। तीन एजम्पशंस क्लियर हो गए और इनके बारे में, क्योंकि देखें ये तीन एजम्पशंस तो पढ़े आपने, पर इसके अलावा आपने इससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको भी क्या कर लिया, आपका समझ लिया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब चौथा, क्योंकि एजम्पशंस पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे हम कोई भी चीज़ अगर बताएंगे, कोई भी डेरिवेशन करेंगे या कोई भी चीज़ करेंगे, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ये जो एजम्पशंस हैं ये क्यों लिए गए हैं और इससे क्या फ़ायदा है, होमोजीनियस होने से क्या फ़ायदा होगा, आइसोट्रॉपिक होने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारी जो स्टडी है इन एजम्पशंस से क्या बन जाती है, बहुत जो कॉम्प्लेक्स होने वाली है वो बहुत क्या बन जाती है, आपकी ईजी बन जाती है। इसलिए हम हमेशा स्टडी में कुछ ना कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं। अब जो फोर्थ एजम्पशंस है दैट इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इज वैलिड बिकॉज हुक्स लॉ इज कंसिडर्ड। क्योंकि हमने हुक्स लॉ कंसिडर्ड किया है तो हम एजम्पशंस लेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी क्या रहने वाला है, आपका वैलिड रहने वाला है। हुक्स लॉ सबको पता होगा कि हुक्स लॉ क्या होता है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आपका स्ट्रेन। जो स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल रहते हैं आपके, दैट इज स्ट्रेन के, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कुछ एक सर्टेन लिमिट तक रहता है, उस लिमिट के बारे में भी बताएंगे, प्रोपोर्शनल लिमिट तक वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। तो हुक्स लॉ को कंसिडर कर रहे हैं तो अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, हुक्स लॉ के बारे में लगभग सबको पता ही होगा, पर अभी हम इसको आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को समझेंगे, बिकॉज हुक्स लॉ इज कंसिडर्ड, बट और हुक्स लॉ कहाँ तक कंसिडर्ड होता है, दैट इज विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, कहाँ तक, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ये जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है, ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी कहाँ तक वैलिड रहेगा, दैट इज विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट तक। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को। एग्जाम्पल क्या है, मान लो सपोज मेरे पास कोई एक बार है या रॉड है, अब इसमें हमने एक लोड लगाया सपोज P1। अब जैसे इसमें P1 लोड लगाएंगे तो डेफिनेटली ये जो आपका बॉडी है दैट विल डिफॉर्म, ये बॉडी क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी, ये सबको पता है, क्योंकि हमने एज्यूम कर दिया है कि आपका जो बॉडी है वो कैसी है, डिफॉर्मेबल बॉडी है, अगर रिजिड होती तो ये डिफॉर्म नहीं होती। अब ये डिफॉर्म होगी, सपोज इसने जो आपका इसका डिफॉर्मेशन आया दैट इज Δ1, कितना डिफॉर्मेशन आया, Δ1, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टाइम सपोज मैंने दूसरा लोड लगाया, अब ये जो लोड है, दिस लोड एंड दिस डिफॉर्मेशन बोथ आर विद इन दी प्रोपोर्शनल लिमिट, ऐसा नहीं है कि प्रोपोर्शनल लिमिट से क्या है, आपके बाहर है, विद इन का है, आपके प्रोपोर्शनल लिमिट तक है। अब सेम इसी मटेरियल में लेट अस मैंने क्या लगाया, अब लोड लगाया लेट अस P2, कितना लोड लगाया, P2 लोड। P2 में भी P1 से डिफरेंट हो सकता है, मे बी अगर आपने यहाँ पर P1 100 किलोन्यूटन लगाया तो यहाँ पर 200 लगाया या 50 लगाया किलोन्यूटन। अब इसमें जो डिफॉर्मेशन आया वो कुछ इस तरह से आया, डिफॉर्मेशन लाइक दिस, ये बॉडी इस तरह से शेप होगी और इसमें जो डिफॉर्मेशन आया दैट इज Δ2, ये डिफॉर्मेशन कितना आ गया आपका, Δ2। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, P1 मान लो सपोज मेरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 100 किलोन्यूटन था, अब P2 मैंने लगाया सपोज 150 किलोन्यूटन, 100 किलोन्यूटन पे डिफॉर्मेशन कितना है, Δ1, 150 यानी 150 किलोन्यूटन पे डिफॉर्मेशन कितना है, Δ2। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसी बॉडी में एक लोड लगा देता हूँ एंड द लोड विल सपोज 100 and 150 कितना हो गया, दैट इज 250 किलोन्यूटन, 100 and 150 इज 250 किलोन्यूटन। सो नाउ द लोड इज P, वेयर P इज P1 प्लस P2, दैट इज 100 प्लस 150, दैट इज 250 किलो न्यूटन। ओके, सो नाउ द डिफॉर्मेशन कम्स अप टू बी लाइक द डिफॉर्मेशन इज सपोज Δ, द डिफॉर्मेशन इज Δ। सो अगर विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट
अगर हम हुक्स लॉ को कंसिडर कर रहे हैं और प्रिंसिपल सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अगर वैलिड है, तो सुपर प्रिंसिपल पोजिशन क्या बोलता है कि जो डेल्टा होना चाहिए दैट इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस क्या आपका डेल्टा टू। तो यही आपका डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, यही आपका क्या है जो मैंने ऐसे जोड़ दिया, ये डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। यानी कि अगर सपोज डेल्टा वन एज्यूम करता हूँ 1 mm, डेल्टा टू एज्यूम करता हूँ 1.5 mm, सो दिस डेल्टा विल डेफिनेटली बी डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू दैट इज 1 + 1.5 दैट इज 2.5 mm। इसी प्रिंसिपल को बोला जाता है आपका क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक बार फिर से देख लें, जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है ये वैलिड है, ये तब तक वैलिड है जब तक हमने हुक्स लॉ को कंसिडर कर रखा है, यानी कि जब हमारा मटेरियल विद इन दी प्रोपोर्शनल लिमिट काम करेगा। क्योंकि हुक्स लॉ यानी कि जो स्ट्रेस है स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल, वो कहाँ तक वैलिड रहता है, दैट इज वैलिड विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल माने आपको पता हुआ समानुपाती, जब कोई चीज़ किसी के प्रोपोर्शनल होती है यह बताती है कि जो ये दो मटेरियल हैं यानी ये जो दो टर्म हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन, एक इसमें डिपेंडेंट टर्म होता है एक इंडिपेंडेंट, अभी आगे देखेंगे, तो ये जो भी दो टर्म है वो एक दूसरे पे इस तरह से डिपेंडेंट है या स्ट्रेस स्ट्रेन पे इस तरह से डिपेंडेंट है कि वह आपका एक लीनियर वेरिएशन शो करेगा, यानी कि वो एक दूसरे पे बराबर अमाउंट में क्या करेंगे आपका डिपेंडेंट होंगे। तो विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, तो विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड रहेगा। आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ के लिए मैंने एग्जांपल बताया, मैंने क्या बताया, एक कोई रॉड था, मैंने एक लोड लगाया सपोज P1 सपोज 100 kN, इसके कारण डिफॉर्मेशन आया डेल्टा 1। नाउ वही बॉडी में मैंने डिफॉर्मेशन P2 लोड लगाया और 150 kN, नाउ द डिफॉर्मेशन कम्स अप डेल्टा 2, लोड ज़्यादा होगा डेफिनेटली डिफॉर्मेशन ज़्यादा आएगा, इसलिए मैंने एग्जांपल में 1.5। अब मैं इसी मटेरियल में लोड मैंने एक साल लगा दिया सपोज P, इन दोनों का समीशन दैट इज 250, सो डिफॉर्मेशन कम्स अप डेल्टा। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यही बोलता है कि आप अलग अलग चीज़ों को अगर जोड़ दें तो वो किसके बराबर हुआ इंडिविजुअल, यानी कि दो अलग अलग चीज़ों का जो इफेक्ट है यानी P1 और P2 का इफेक्ट होगा इनके कंबाइंड इफेक्ट के बराबर होगा, दैट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और ये कहाँ तक वैलिड रहेगा ये, तो ये आपने समझ गए तो सबको समझ आ गया होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। ओके, आपको समझना जरूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट एजम्पशंस, तो चार एजम्पशंस हमने पढ़ लिए हैं। पहला एजम्पशंस पढ़ा मटेरियल डिफॉर्मेबल होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा बड़ा होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, तीसरा बड़ा सेल्फ वेट इज नेग्लिजिबल ओनली सरफेस फोर्स आर कंसीडर्ड, और फोर्थ वन पढ़ा दैट इज आपका जो मटेरियल है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा अगर हम विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट उस मटेरियल की स्टडी कर रहे हैं, यानी कि जो मटेरियल है दैट इज इलास्टिक, वो मटेरियल कैसा होगा आपका इलास्टिक, जब हम विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट तो हम बात करेंगे वो कैसा है आपका इलास्टिक। ओके, अब नेक्स्ट है आपका दैट इज मटेरियल इज आइसोट्रॉपिक, फिफ्थ वन इज मटेरियल इज प्रिज्मेटिक। अब प्रिज्मेटिक माने क्या होता है इसको समझते हैं, प्रिज्मेटिक माने क्या होता है दैट इज सेम क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट दी लेंथ, थ्रू आउट यानी कि मान लो ये मटेरियल है, अगर ये प्रिज्मेटिक है तो आपको पता है अगर क्रॉस सेक्शन, अगर हम मटेरियल बताएं ये मटेरियल है, इस मटेरियल के सेक्शंस होते हैं, सेक्शन की स्टडी बताते हैं, सेक्शन क्या होता है, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मटेरियल का। तो ये आपका कोई एक मटेरियल है, ठीक है, इस मटेरियल के आप देख रहे होंगे एक सेक्शन ये दिख रहा है, कैसा सेक्शन दिख रहा है सबको, रेक्टेंगुलर, एक दूसरा सेक्शन ये दिख रहा है दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर, तो दो रेक्टेंगुलर आपको दिख रहे हैं, तो ये वाला जो आपका है इस सेक्शन को बोला जाता है जनरली ट्रांसवर्स सेक्शन, क्या बोला जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन, और इसी को जनरली ट्रांसवर्स सेक्शन ही किसी मेंबर का क्या होता है क्रॉस सेक्शन, क्या होता है आपका क्रॉस सेक्शन, जैसे हमने बोला ये क्रॉस सेक्शन क्या है इसका रेक्टेंगल है, ठीक है, जबकि जो लंबाई यानी लेंथ की डायरेक्शन में, यहां लंबाई है सपोज, यहां इसको इसकी क्या बोल देंगे चौड़ाई विथ, और ये इसकी क्या है आपकी गहराई यानी डेप्थ डी, तो जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज बी इंटू डी, इसको क्या बोला जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन। ओके, जबकि जो लंबाई की डायरेक्शन में जो सेक्शन होता है, लंबाई की डायरेक्शन में भी हालांकि रेक्टेंगुलर ही है, तो इस टाइप के सेक्शन को बोला जाता है आपका क्या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, क्या बोला जाता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल
सेक्शन। तो एक होता है इसका ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो प्रिज्मेटिक सेक्शन, प्रिज्मेटिक माने होता है जब क्रॉस सेक्शन इसका क्या हो, सेम। जैसे अभी देख रहे हैं यहां पर क्रॉस सेक्शन, अगर मैं मान लो किसी दूसरी डिस्टेंस, सपोज एक्स डिस्टेंस में, एक्स डिस्टेंस में अगर सेक्शन कट करूं, तो एक्स सेक्शन में भी जो इसका क्रॉस सेक्शन है दैट कम्स अप आउट टू बी रेक्टेंगुलर ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया बी एंड डी। तो इस टाइप के क्रॉस सेक्शन को बोला जाता है आपका प्रिज्मेटिक, इस टाइप के मेटेरियल को बोला जाता है प्रिज्मेटिक। जबकि एक होता है नॉन प्रिज्मेटिक, या जिसको हम टेपर्ड बोल देते हैं। तो नॉन प्रिज्मेटिक क्या हो गया, लाइक मैं एक ये क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ, सपोज लाइक दिस, सपोज यहाँ पर आपका ये एक कोई इस तरह से नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन है। यहाँ पर अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें, तो इस एंड में, इस लेफ्ट एंड में क्रॉस सेक्शन का जो डाया है दैट इज सपोज डी वन, दिख रहा है सबको, यहाँ पर जो डाया है दैट इज डी टू। तो अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ द क्रॉस सेक्शन इज नॉट कॉन्स्टेंट। यहां पर क्रॉस सेक्शन क्या है, दैट इज क्रॉस सेक्शन क्या है आपका, कॉन्स्टेंट है। बट यहां पर क्रॉस सेक्शन अगर मैं यहां पर कट करूं, तो क्रॉस सेक्शन इज नॉट कॉन्स्टेंट। यहां पर अगर क्रॉस सेक्शन अगर आपका इसका एरिया अगर हम बात करें, तो कितना है, पाई बाई फोर इंटू डी वन का होल स्क्वायर। यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें तो दैट इज पाई बाई फोर इंटू डी टू स्क्वायर। अब मान लो किसी एक्स डिस्टेंस में, एक्स डिस्टेंस में ये डाया यहां पर कितना है, सपोज डी एक्स है, डाया कितना है इसका आपका डी एक्स है। तो यहां पर जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर इंटू डी एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है अलग अलग जगहों में क्या है आपका, अलग अलग है। तो इस टाइप के सेक्शन को हम क्या बोलेंगे आपका, नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन। और ये जनरली एक नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है टेपर्ड। क्या बोला जाता है, टेपर्ड सेक्शन। क्या बोला जाता है आपका, टेपर्ड। जबकि ये जो सेक्शन है मेरा ये कैसा है आपका, प्रिज्मेटिक। तो हम कंसिडर करेंगे कि हमारा जो मटेरियल है वो जनरली क्या है आपका, प्रिज्मेटिक है। अभी देखेंगे कैसे हम नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन की स्टडी, ऐसा नहीं है कि नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन की एनालिसिस नहीं होती है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल पर, उसकी भी होती है एनालिसिस और स्टडी होती है, पर हमारा स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा एज फार एज पॉसिबल हम एज्यूम करेंगे, क्योंकि इसकी स्टडी क्या है, आसान है। क्योंकि हम एजम्पशन क्यों ले रहे हैं, ताकि हमारी स्टडी क्या रहे आपका, आसान रहे। ठीक है, अब हम देखते हैं सिक्स्थ वन, ये पांच एजम्पशंस हो गए। नाउ सिक्स्थ एजम्पशन क्या है, इसको देखते हैं। तो देखें बहुत सारी चीजें आपको पता चल रही हैं एजम्पशन से। प्रिज्मेटिक माने सेम क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट दी लेंथ, टेपर्ड माने क्रॉस सेक्शन आर डिफरेंट या नॉन प्रिज्मेटिक। अब देख लेते हैं सिक्स्थ एजम्पशन, दैट इज नो रेजिडुअल स्ट्रेस आर प्रेजेंट इन मटेरियल। अब ये क्या चीज है, स्ट्रेस तो अभी आपको पता नहीं होगा स्ट्रेस क्या होता है, इसको समझेंगे स्ट्रेस डीपली, इसको पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे व्हाट इज स्ट्रेस। अभी तक के लिए बस स्ट्रेस ये समझ लें, जब भी किसी भी मटेरियल में लोड लगता है तो जो उसके एटम्स हैं या जो उसका इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर है या जिस भी मटेरियल के जो भी कंपोनेंट हैं, उस एक्सटर्नल लोड का क्या करता है, विरोध, यानी डिफॉर्मेशन का क्या करता है हमेशा विरोध। क्योंकि जब आपने लोड लगाया तो ऐसा नहीं कि तुरंत ही डिफॉर्म हो जाएगा मटेरियल डेल्टा वन डेल्टा टू अमाउंट से, उसने डिफॉर्मेशन होने से पहले या डिफॉर्मेशन के दौरान भी कुछ ना कुछ उसके मॉलिक्यूल्स ने या उसके एटम्स ने कुछ क्या दिया होगा, रेजिस्टेंस दिया होगा। तो वो जो रेजिस्टेंस को हम दिखाते हैं विद इन द मटेरियल, उस टर्म को पर यूनिट एरिया में किससे दिखाते हैं, स्ट्रेस से दिखाते हैं। अब क्या हुआ कि हम जब स्टडी कर रहे हैं तो मटेरियल हमारे पास जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा या जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन मान लो सपोज कोई स्टील की रॉड आई या आपके कोई मटेरियल आया, उसको हैंडलिंग या ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे उसमें कुछ क्या डेवलप हो जाएंगे, रेजिस्टेंस डेवलप यानी स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। तो इस टाइप के स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, रेजिड्यू। रेजिड्यू मीन्स जो बचा हुआ है। अब हमने डिजाइन किया, अगर उसमें पहले से स्ट्रेस डेवलप हो गया होगा तो हमारा मटेरियल ऑलरेडी क्या हो गया है, वीक हो गया है। ठीक है, ऑलरेडी वो सब्जेक्टेड हो चुका है आपके स्ट्रेस से। तो हम अगर हो भी रहा होगा तो हम उसे नेग्लेक्जिबल कर देंगे या हम बोलेंगे कि नो रेजिडुअल स्ट्रेस प्रेजेंट। हम एक्चुअल जो स्टडी करेंगे वो जो सरफेस लोडिंग हो रही है, जो एक्सटर्नल लोड उसमें आ रहे हैं, उन्हीं को के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होंगे उसी की स्टडी करेंगे। ठीक है, और उन्हीं के कारण उस मटेरियल का डिजाइन करेंगे, यानी उसका क्रॉस सेक्शन डिफाइन करेंगे और मटेरियल को डिफाइन करेंगे। तो रेजिडुअल स्ट्रेस क्या होते हैं, वह स्ट्रेस जो ट्रांसपोर्टेशन या ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन या ड्यूरिंग हैंडलिंग
जब आपके जो डेवलप हो जाते हैं प्रायर टू द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल लोड, कि जो एक्सटर्नल लोड आप लगाने वाले हैं उससे पहले ही जो स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं उस टाइप के स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं आपका रेजिडुअल स्ट्रेस। अगर डेफिनेटली रेजिडुअल स्ट्रेस डेवलप होंगे उसमें कुछ न कुछ, जब भी आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा या कुछ भी चीज़ हैंडलिंग या जब भी चीज़ उसको आप कसेंगे या कुछ भी चीज़ करेंगे, तो प्रॉब्लम यह है कि उस रेजिडुअल स्ट्रेस को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हमारा एज्यूम है कि हम इन कोई भी स्ट्रेस को कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ सेवंथ एंड लास्ट एजम्पशन इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन आर कंसिडर्ड नॉट एक्चुअल स्ट्रेस, एक्चुअल और एक्चुअल को हम ऐसे बोलते हैं ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो हमारा जो कंसिडर हम करने वाले हैं वो क्या कंसिडर करने वाले हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन को कंसिडर करने वाले हैं अपने पूरे स्ट्रेंथ और मटेरियल में, एक्चुअल और ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को कंसिडर नहीं करने वाले हैं। तो अब क्या होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन? तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस है एक, और एक क्या है एक्चुअल और जिसको हम क्या भी बोल रहे हैं ट्रू स्ट्रेस। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बहुत आसान है इसको आगे और भी समझेंगे, कुछ नहीं है। मान लो सपोज ये मटेरियल है, इस मटेरियल को हमने लोड लगाया, सपोज इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था आपका ए, अब इसमें लोड लगाया पी, पी इज द एक्सटर्नल लोड। नाउ ये मटेरियल जो है आपको पता है इलोंगेट हो गया और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अब पहले जो एरिया था ए था, यानी कि इस तरह से एरिया देख लेते हैं, ये है एरिया, ये ब्लैक वाला आपको दिख रहा होगा एरिया। अब जब इलोंगेट हो गया तो इलोंगेट होने पे जो इसका एरिया था दैट इज थोड़ा सा क्या हो गया रिड्यूस हो गया, ये दिस इज एरिया ए एंड दिस इज एरिया ए डैश। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या है, दैट इज लोड सिग्मा ई लिख देता हूँ, इंजीनियरिंग ई फॉर इंजीनियरिंग सिग्मा फॉर स्ट्रेस इज लोड अपॉन दैट इज इनिशियल एरिया, लोड अपॉन इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया यानी कि पी अपॉन ए, जबकि एक्चुअल और ट्रू स्ट्रेस सिग्मा टी ट्रू स्ट्रेस या सिग्मा एक्चुअल जो भी आप बोलना चाहें एक्चुअल स्ट्रेस सिग्मा ए फॉर एक्चुअल इज लोड अपॉन दैट इज फाइनल एरिया, या हम बोल सकते हैं दैट इज एरिया एट द टाइम ऑफ लोडिंग, जब लोड हो रहा होगा उसके बाद दैट इज फाइनल एरिया या इंस्टेंटेनियस एरिया कुछ भी बोल दो, तो पी अपॉन ए डैश। तो यहां पर आपको पता है कि ए डैश और ए क्या है आपके चेंज है, पर हम कंसिडर जब भी हम एनालिसिस करेंगे तो इंजीनियर एक्चुअल में जो ट्रू स्ट्रेस आना चाहिए था वो क्या होना चाहिए पी अपॉन ए डैश, क्योंकि अब एरिया क्या हो गया है रिड्यूस हो गया ए डैश हो गया है, तो एट द टाइम ऑफ, पर हम क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका ये जो एरिया है इसको मेजर करना हर स्टेज ऑफ हर एक स्टेज ऑफ लोडिंग पे इस एरिया को मेजर या कैलकुलेट करना थोड़ा टीडियस होता है, और हमें पता है जो टीडियस वर्क है कॉम्प्लेक्स वर्क है उसी को आसान बनाने के लिए ही हम क्या लेते हैं एजम्पशंस लेते हैं। तो एजम्पशंस में हमने क्या कंसिडर किया है कि हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस को कंसिडर करेंगे और एक्चुअल स्ट्रेस और स्ट्रेन को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है थोड़ा और लोड लगेगा एरिया और कम हो जाएगा, कुछ और करने पर एरिया और कम हो जाएगा, या अगर टेंसाइल लोड लग रहा है, कैसा लोड लग रहा है, अगर टेंसाइल लोड लग रहा है दिस लोड इज टेंसाइल तो एरिया कम होगा डेफिनेटली, अगर यही कॉम्प्रेसिव होगा तो एरिया मे बी इंक्रीज भी हो सकता है। तो डेफिनेटली ए और ए डैश क्या है डिफरेंट है, तो यहाँ पर आपको इसका मीन सिग्मा ए एक्चुअल स्ट्रेस क्या होने वाला है ज़्यादा होने वाला है एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस, क्योंकि इंजीनियरिंग स्ट्रेस में एरिया क्या है आपका कम है ना ज़्यादा है, ए डैश क्या है आपका तो ये आपका ज़्यादा होने वाला था ड्यूरिंग टेंसाइल लोडिंग पर हमने कंसिडर यही किया है। क्यों क्या है इसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि हमें पता है हर एक स्टेज ऑफ लोडिंग पे एरिया को कैलकुलेट और मेजर करना थोड़ा टीडियस मीन्स मेहनत का काम है या उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हम क्या करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस को। तो ये एजम्पशंस हैं, एक बार फिर से साथ के साथ एजम्पशंस को समझ लेते हैं और उनसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपने क्या सीखे इसको देख लेते हैं। तो हमारा पॉइंट था पहला
कि इंजीनियरिंग जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है जिसमें कि हम स्टडी करते हैं मटेरियल में जब वह एक्सटर्नल फोर्सेस और सब्जेक्टेड रहता है, पर जो हमारी बॉडी रहनी चाहिए वो डिफॉर्मेबल रहनी चाहिए। क्या डिफरेंस है रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी, ये आपको क्लियर हो गया है। क्या आपका ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी रिजिड बॉडी में, ज्योमेट्री चेंज होगी इन केस ऑफ दी आपका डिफॉर्मेबल बॉडी, तो यानी कि स्ट्रेन आएगा उसी को हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद आपको पता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये एजम्पन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला एजम्पन डिफॉर्मेबल एंड कंटिन्यूम, डिफॉर्मेबल आप समझ गए हैं, कंटिन्यूम मीन्स नो क्रैक्स, कि कंटिन्यूम होने का मीन्स आपका जो बॉडी होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस पोजिशन, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स हैं जो भी उसका सरफेस है वो हर जगह क्या होना चाहिए आपका कंटिन्यूस पोजिशन में रहना चाहिए। दूसरा एजम्पन होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, हमने समझ लिया होमोजीनियस माने क्या होता है, आइसोट्रॉपिक माने क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक ऑर्थोट्रॉपिक क्या होता है, हमने एग्जाम्पल से भी समझ लिया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एजम्पन आया कि सेल्फ वेट आपने नेग्लेक्ट करना है। सेल्फ वेट क्या होता है, किस तरह से निकालते हैं, डेड लोड भी बोलते हैं उसको। आपका मटेरियल प्रिज्मेटिक रहना चाहिए, ये हमने समझ लिया था। नो रेजिडुअल स्ट्रेस रहने चाहिए, यानी कि पहले के कोई स्ट्रेस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ अब जो लोड के कारण स्ट्रेस आएंगे उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा, और स्ट्रेस को जो कंसिडर किया जाएगा वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस कंसिडर किया जाएगा, यानी कि हम इनिशियल एरिया को ही ध्यान में रखते हुए अपना स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे। फाइनल एरिया एट द टाइम ऑफ लोडिंग या इंस्टेंटेनियस लोडिंग उस टाइम पर हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा टीडियस है। साथ ही हमने देखा कि किस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या यूज है और कब तक वो वैलिड रहता है, कहाँ तक, जहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड रहता है। हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड रहता है, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। तो क्या हुआ कि जो इफेक्ट होगा किसी एक स्ट्रक्चर में ड्यू टू दी लोडिंग विद इन दी आपका प्रोपोर्शनल लिमिट, अगर पी वन के कारण जो इफेक्ट है वो डेल्टा वन है, पी टू के कारण इफेक्ट डेल्टा टू है, तो अगर विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट जो मैं पी लगा रहा हूँ, पी भी कहाँ लगा रहा हूँ, विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट ही, ऐसा नहीं कि पी अगर बढ़ गया प्रोपोर्शनल लिमिट से बढ़ गया तो फिर आपका डेल्टा इज नॉट इक्वल टू डेल्टा वन और डेल्टा टू, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो कहाँ तक रहने वाला है, दैट इज विद इन द प्रोपोर्शन। तो 100 किलो न्यूटन भी विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट लगा था, 150 किलो न्यूटन भी और 250 किलो न्यूटन भी, तो तब डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ गए हैं। तो आज हमने सिर्फ सब्जेक्ट को समझा और उसके एजम्पन्स को समझे और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझे। कल से हम देखेंगे व्हाट इज स्ट्रेस और किस तरह से स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं एंड लगातार चैनल को सब्सक्राइब करें और EMEDU हब ऐप में जो भी आपके डाउट्स होंगे और जो भी आपके लेक्चर्स हैं ये डेली बेसिक्स पर अपलोड होते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें और आप रेफरल भी दे सकते हैं अपना, ठीक है, तो कोड यूज कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको मींस की जो ये कोर्सेस हैं इनमें बहुत ज़्यादा कंसेशन भी मिल सकता है और आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो ध्यान रखें और लगातार पढ़ते रहें, और चैनल हमारा यूट्यूब चैनल भी है इंजीनियरिंग मास्टर देहरादून, वहाँ पर भी आपको मींस की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट्स पूछने हैं तो यू कैन सिंपली मैसेज टू इंजीनियरिंग मास्टर ऑफिस और यू कैन मैसेज इन EMEDU हब पोर्टल। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।